हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। इस सेशन में हम रोटेट टूल का यूज़ करते हुए डिज़ाइंस क्रिएट करना सीखेंगे। अभी तक हम लोग सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से रोटेट करते थे, या तो सिंपली ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म देन रोटेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेट होता है। अब हम रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट R है। रोटेट टूल से हम ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट, या इसको हम पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं, की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसका सेंटर अब हम जहां पर भी रख देंगे वहीं से हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगेगा। रोटेट टूल से ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हुए ऑल्ट की प्रेस करते हुए कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट ऑप्शन से लास्ट कॉपी एक्शन को रिपीट कर लेंगे। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि इसमें ऑब्जेक्ट का गैप सेम नहीं है, यानी कि लास्ट ऑब्जेक्ट का गैप कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ और टेक्निक यूज़ करेंगे। हमने कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर ऑन कर लिया। रूलर से ड्रैग करते हुए गाइड्स क्रिएट कर लेंगे। अब हम रोटेट टूल लेकर के गाइड्स के इंटरसेक्शन पर ऑल्ट के साथ में क्लिक करेंगे, तब रोटेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे और कॉपी पर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड रिपीट करते जाएंगे। गाइड्स को शो एंड हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन यूज करेंगे। एक और एग्जांपल सन क्रिएट करते हैं और इसकी एक रेस क्रिएट करके उसकी कॉपीज कर लेते हैं।
स्ट्रोक को एक्सपेंड कर लेंगे ताकि स्केल करने पर डिज़ाइन चेंज ना हो जाए। इंडियन फ्लैग क्रिएट करते हैं। फ्लैग के चक्र में 24 तीलियां या 24 स्टिक्स होती हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, यानी 15 डिग्री का गैप रहता है सबके बीच में। अब इसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे 15 डिग्री और कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब इसको कंट्रोल डी से रिपीट कर लेंगे।